बाय बाय। मैंने माँ अब राच निजान बांझ की डाली माँ फांस खान। मैंने माँ अब राच निजान बांझ की डाली माँ फांस खान। तो चलिए हो गई है नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत आज हो रही है 2 बजे से। आज मैं जा रहा हूँ गांव, और यानी कि दादी से आज विदाई लेना पड़ रहा है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बगड़ा और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी शहर से। मेरे गाँव का नाम है धौंतरी, जो कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। तो चलिए मौसम की बात कर लेते हैं। तो आज आप मौसम का नज़ारा देख सकते हैं, मौसम रूठा रूठा हुआ है, यानी कि मैंने 5-7 दिन पहले देख लिया था तो आज बारिश दिखा रही थी, तो बिल्कुल मौसम भी उस हिसाब से है, यानी कि बादल ही बादल हैं। तो जब यहाँ इतनी ठंड लग रही तो लगा लो हमने चौरंगे खाल होके जाना है, जहाँ की बांध के पेड़ हैं, तो क्या हाल होने वाले हैं। हालांकि मेरे साथ ड्राइवर आ चुका है, जिसको मैं पहले अपने साथ पेमेंट पर रखता था, अभी आ चुका है, तो आप उसके पास देंगे चाय भी और अपने आप निकल पड़ेंगे। बाकी दादी अब मैं चलता हूँ, भात खाना है, भात देगी, चलो फिर, चलो फिर भात दो, चलो भात दो, चलो भात दो, भात चलो भात दो पहले। तो चलिए खाना खाता हूँ। हालांकि इस बंदे की बात करो तो इसका मन नहीं कर रहा जाने का। ये मार्केट गया था और जैसे आ रहा बोल रहा कि आज आ जाना है, क्या कर सकते, चलो चलो खाना दे जल्दी। तो चलिए खाना खा लेते फिर निकलते यहाँ से। तो चलिए भाई, मौसम तो काला हो गया लेकिन हमें जाना पड़ेगा यहाँ से, थोड़ा दादी जी से मिल लेते हैं फिर निकलता हूँ यहाँ से, चलो ना भाई, ठीक है। हाँ बाकी आप मौसम देखिए भाई, इधर तो थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं ये पूरा काला हो गया एकदम, और हमने उधर ही साइड जाना है जहाँ एकदम मौसम काला है। क्या काला है कपड़ा, जैकेट पहनूं मैं? तो चले मैं जाता हूँ अब, क्योंकि 3 बज रही अभी। चल ठीक है, मैं अब जाता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक ठीक ठीक। बाकी भाई देखो हवा कितनी भयंकर चल रही है अभी, ये फूल देखो कैसे लहरा रहे हैं, ठीक है ठीक 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 तो ठीक है ठीक है। ये बोल रहे मौसम बड़ा खराब हो गया, हमें तो जाना है। चल ठीक है, टाटा बाय 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 बाय। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए भाई निकल पड़े हम अपने गांव के लिए। खोजी भाई ठंडा कितना लग रहा है, और बोल रहा पता नहीं कहाँ से वापस आ सकते हम। ये भी सही है, मौसम तो सही में हो गया यार, फिर भी देखते हैं ज्यादा होगी बारिश तो वापस आ जाएंगे, क्यों क्या बोलता है? चलिए फिर तो चले भाई, फौजी को मैंने दे दी कमान गाड़ी चलाने की, खुद बैठ गया। आहा चले चले साहब, चलिए फिर। भाई यहाँ तो उतना ठंडा नहीं लग रहा है, लेकिन हमने जाना है चौरंगी काल, वहाँ कुल्फी जम जाती है, गर्मियों में भी कुल्फी जमती है, अभी तो ठंडा हो गया मौसम। तो चलिए यहाँ से हमने ऊपर जाना है, नीचे जाते हैं मेन मार्केट के लिए। और वाह, ये बड़ा खतरनाक बैंड है भाई, अगर आपका राहु और ये तो सही है तो इस बैंड में आप बचाओगे, नहीं तो भाई साहब यहाँ बहुत सारे हो जाते हैं, झुकेगा नहीं साला। तो भाई मौसम आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पैक हो रखा है एकदम, और ये जो सड़क जाती है वो जाती है मुस्टिक शॉट के लिए, और हमें जाना है यहाँ से भी ऊपर। तो भाई ऐसा भी होता है पहाड़ों में कई बार पशु आ जाते हैं एकदम, खतरा होने का कारण ये भी होता है जब बैल आ जाते हैं ना एकदम, अभी उनको तो पता नहीं किस साइड जाना है, तो कई बार कुछ लोग अगर ओवर रेस में होंगे तो उसमें क्या होगा प्रणाम।
भाई, एक कुत्ते भी आ जाते कई बार। भाई मौसम देखो क्या हो गया, और आगे जा रही है गाड़ी। ये गाड़ी कभी किसी को साइड नहीं देती भाई, इस गाड़ी खासियत है। अरे दे दे अंकल साइड दे दे। अरे दे दे भाई साइड यार, अंकल जी साइड दे दो, हम तो ठंड से मर जाएंगे यार। अंकल जी साइड ही नहीं दे रहे भाई, कितनी कोशिश कर दी साइड ही नहीं मिल रही भाई। आप देखो क्या देखो, और नहीं मार दे, घुसा घुसा घुसा, देखो नहीं दे रहा भाई साहब। दे देते भाई साइड, जबरदस्ती रिक्स लेना पड़ता है। तो कुछ साल पहले पुल टूटा था और यहाँ भी एक लड़का मरा था, काफी बुरा लगा यार। पहाड़ों में कभी भी आ सकता है लैंडस्लाइड, फ्लैट कभी भी आ सकता है भाई। व्यू काफी अच्छा है लेकिन सच बताऊं तो भाई साहब ये यहाँ से हमेशा टूटता रहता है। सरकार इस पे पता नहीं क्यों ध्यान नहीं देती है, एक दो बार तो एक्सीडेंट भी हो गए यहाँ। क्या बोले किसी को, कुल मिला के बात है कि इंसानों की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इनको वोट मांगना है, वोट इन्होंने हम ही से मांगना, लेकिन हमारी जिंदगी की इनको कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि तो अपने आप तो हेलीकॉप्टर पे जाएंगे, यहाँ से तो हम जैसे लोग जाते हैं मिडिल क्लास वाले, इनको क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई साहब का जो एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे हुआ था, ये देखो यहाँ पे चल रही है काली और की सड़क। अभी हमें वहां से होके ऊपर जाना है उधर, और मौसम हो गया पूरा बारिश वाला, हमारे पास रेनकोट भी नहीं है। पूरा वहां से होके हमें उस पहाड़ी के पीछे जाना। अभी तो हम आ गए हैं मानपुर में, काफी छोटा गांव है लेकिन काफी ब्यूटीफुल है। बड़ी मुश्किल से एक अंकल जी को साइड किया, तो भाई साहब ये भी साइड नहीं देंगे अब। हॉर्न मारो भाई, नहीं दे दिया दे दिया दे दिया, काफी अच्छे लोग हैं बेचारे। हर लोग खराब नहीं होते, कुछ कुछ लोग समझते हैं कि हम दादा हैं इस दुनिया में, लेकिन कुछ कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, तुरंत साइड दे देते हैं हॉर्न मारे। तो चलिए भाई मैं मैगी पॉइंट से आ गया हूँ यार, इतना टेम्परेचर ठंडा हो गया ना, हो जो भाई तो ग्लव्स पहनने लग गया। कैसे कितना लग रहा है भाई ठंडा, यानी कि मैं वहाँ से आया था एकदम सही में, यहाँ अब टेम्परेचर डाउन हो रहा है क्योंकि हम चढ़ाई पे जा रहे हैं, और आगे तो भाई साहब क्या बताएं बारिश लगने वाली। तो भाई हमें जल्दी निकलना यहाँ से, और मौसम तो आप देख ही सकते हैं पूरा खाने के लिए आ रहे हैं बादल एकदम। चलिए लेट नहीं करते निकलते हैं, इसलिए रुके थे क्योंकि भाई को ग्लव्स पहनने थे। उत्तरकाशी में तो ठीक ठाक था, गर्म था, लेकिन यहाँ तो भाई साहब अब लगा लो एक महीने बाद तो यहाँ बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पूरी सड़क बंद हो जाती है बर्फ में। चलिए फिर तो ये हमारे पहाड़ों के हाल, लैंडस्लाइड होता रहता है बारिश हो या गर्मी हो। अब तो भाई इतनी ठंड लगने लगे कि मेरे जो शब्द है वो भी लड़खड़ा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हेलमेट क्यों नहीं लाया भाई, जाम हो रहा है एकदम फेस। ये है एक्सीडेंट का कारण, और यहाँ ये देखो ये कटिंग हो रही है फट्टों की, पता नहीं कितने सारे पेड़ काट रही है सरकार, काट रही है कि ये चोर काट रहे हैं पता नहीं। अरे भाई 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 बेहाल हो रखा है, अभी बेहाल है। सच बताऊं आपको मौसम पूरा काला हो रखा है यहाँ, और हो सकता है थोड़ी देर में बारिश हो जाए खतरनाक वाली, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं चोरेंगे खाल तक तो पहुंच जाए हम, ताकि अगर बारिश होती भी है तो हम किसी दुकान के अंदर बैठ के थोड़ा आग सेक लेंगे। मौसम देखिए पूरा काला हो रखा है, और सामने जो है व्यू एकदम धुंधला दिख रहा है क्योंकि पूरी जगह एकदम अंधेरा टाइप का लग रहा है। तो चलिए फाइनली हम पहुंच गए चौरंगी खाल, और अब आपको दिखाते हैं चौरंगी खाल का मार्केट कितना खतरनाक है। तो चलिए यहां से स्टार्ट होता है चौरंगी खाल।
तो भाई साहब यहाँ तो लाइटें खुल गई। चल 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 भाई साहब, मतलब बता नहीं सकता मैं कितनी ठंड लग रही है। अभी हम सोच रहे थे चाय पिए, लेकिन मौसम को देखते हुए हमने सोचा घर में पियेंगे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं आकर, इसीलिए निकलते हैं। और नचिकेता ताल यहाँ से ऊपर जाते हैं, यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है पैदल। तो चले भाई, फाइनली हम पहुंच गए दिखोली बैंड पे, यानी कि यहाँ से हमारी जो गांव की दूरी है वो मात्र 2 किलोमीटर है, यानी कि हम पहुंच ही गए लगभग। आप फौजी बोल रहे हैं 3 है, लेकिन चलो 2-3 कुछ नहीं है, लेकिन हम पहुंच गए। और मौसम यहाँ थोड़ा ठंडा उतना नहीं है जितना ऊपर था भाई साहब, वहाँ तो एकदम कुल्फी जम रही थी। और मौसम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अंधेरा होने वाला है, तो कैमरा उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन जितना भी आप देख सकते हैं काफ़ी औसम व्यू है। सामने वो पहाड़ी देखो कितनी प्यारी लग रही है यार। अगर सच बताऊं ना, दिल इतना टूट गया ना जैसे मैंने अभी देखा ना भाई, इंडिया हार गए वो भी 10 विकेट से, दिल बहुत पत्थर बन गया भाई। मैंने इसको बोला फड़का दिए गाड़ी कहीं, नहीं भाई मैं फेंक दे गाड़ी यार, दिल पे लगती है यार, दिल पे लगती है, देशभक्त है यार हम। और बहुत उम्मीद थी हमें पांड्या जी ने इतनी अच्छी बैटिंग की, लेकिन हमारे बॉलरों ने कोई कसर नहीं की ना कटाने में। लेकिन भाई ऐसा है, देशभक्ति के साथ साथ हमारे अंदर एक इज्जत है, सम्मान है, हम और देश की तरह नहीं करेंगे, कुछ देश तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगली बार हमारी टीम जरूर जीतेगी। और बहुत अच्छा किया साहब ने, बाकी हार जीत लगा धंधा है, इसमें ज्यादा इसको माइंड मत लिया करो। कुछ देश ऐसे जो तोड़फोड़ पे उतर जाते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे तोड़फोड़। इंडिया जीतेगा, जीतता है और जीतता रहेगा। इंडिया भले वहां हारी है, लेकिन करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया इंडिया ने। इंडिया वालों के लिए एक सल्यूट। तो चलिए भाई मैं आ गया हूँ, अरे रोने लग गया यहाँ, अरे आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, चल चल अरे आ गया, अबे आ गया, चल 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 चल, अबे चल चल उधर 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 उधर, चल चल चल। देखो भाई मेरे आने के बाद इसकी खुशी देखो यार, आजा 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 आजा, बस 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 बस, अबे बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया, अबे हो गया हो गया, अबे हो गया, अबे हो गया हो गया, अबे हो गया हो गया, बस 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 बस, चलो हो गया, शाबाश शाबाश। तो भाई साहब ये काफी खुश हो गया है। तो चलिए मैं फाइनली मैं घर आ गया हूँ, और मौसम तो वैसे का वैसे है, मौसम नहीं सुधरने वाला, लेकिन चलो मैं आराम से आ गया घर, और हाथ हो गए जाम। और किसी ने कमेंट किया था कि इसके लिए बोरी रखना, तो भाई रख दिया हमने इसके नीचे, देखो यहाँ बिठा दे इसको यहाँ, माँ जी प्रणाम। तो भाई यहाँ माँ भी बैठ रखी है, और यहाँ देखो आप आग सेकी जा रही है। और बाहर की बात करो तो बाहर तो भाई अंधेरा हो गया, और लाइट जल गई हमारी यहाँ, फिर बारिश होने वाली है। और भाई अपने चूल्हे पे बैठ जाते हैं जरा, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। तो माँ चाय पी रही है आराम से फर्स्ट क्लास, अंधेरे जला रही है। आज क्या बन रहा है खाना? तो चलिए इस ब्लॉग को इतना रखता हूँ, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने भाई को ऐसे प्यार देना जैसे आप दे रहे हैं। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।